वालेकुम वेलकम टू वोवर्ड अकेडमी डियर एसपेरेंट्स आज हम अपने एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और इसकी तरतीब हमारी बहुत आसान होगी हम बहुत सादा तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल आप अकाउंटिंग बेसिक लेवल की चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद चीज़ों को अंडरस्टैंड करना नस्बतान आसान हो जाता है इसी तरीके से जब आपको बेसिक फिनैंशियल अकाउंटिंग आती है तो उसके बाद आपको ये एडवांस लेवल पे जो फिनैंशियल अकाउंटिंग है समझने में थोड़ी दुश्वारी इसलिए होती है कि इसको कम्प्रीहेंसिव तरीके से कम्युनिकेट करने में थोड़ी दुश्वारी होती है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कम्प्लिकेट होती है यानी बड़ी लेवल की जो कॉरपोरेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर होती है तो छोटी मोटी जो हमारी घरेलू गर, एग्जाम्पल्स होती हैं उनमें ये इनके एप्लीकेशन नहीं होती है इसलिए अंडरस्टैंड करना इनको मुश्किल हो जाता है और सबसे मेन बात मैं तो यह, यही यही कहूँगा कि जो एक टीचर है उसने अगर इस सब्जेक्ट को आ, पढ़ाना है तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर समझा दी जाए या उसका बैकग्राउंड समझा दिया जाए तो बहुत आसान हो जाता है तो हमारी जो अप्रोच होगी वो कंसेपच्चुअल अप्रोच होगी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे और इसमें हम हमेरिकल भी कवर करेंगे ताकि जितने भी प्रोफेशनल हैं ए सी सी ए आई सी एम ए सी ए करने वाले लोग या सी आई एम ए या इसके अलावा जो एन डिग्रीज हैं जहाँ पे एडवांस फिनंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वो आसानी से इसको ग्रिप कर सकते हैं सो ये हमारा कोर्स बहुत कम्प्रहेंसिव और सादा ज़ुबान पर मुश्तमिल होगा और हर चीज़ हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे सो so, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट को बहुत डिटेल में जब थ्योरी पढ़नी पड़ती है तो उसकी समझ नहीं आती हम पहले इस पूरे लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं अंडरस्टैंडिंग करते हैं सादा सी चीज़ों से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उसके बाद जो इस कंटेंट्स हैं उनको हम एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन हो जाए अच्छा जी आ, कुछ इसके पर्पस हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं सब्सटेंस फॉर्म अगर हम इस वर्ड पे ही फोकस करें तो सब्सटेंस मीन के कोई अहम चीज़ है जिसकी यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं ये सब्सटेंशली छोटी हैं और यहाँ पे अगर हम चले जाएँ तो ये हमारे पास बड़ी ऐसा ऐसा, ऐसा चीज़ें आती जा रही हैं अब हम इसको अगर कह लें कि ये सब्सटेंस है इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है इसकी अहमियत ज़्यादा है और अगर हमें ये रिपोर्ट करना पड़े कि सर्कल ये स्मॉल सर्कल है और ये बिग सर्कल है तो अगर हम सिर्फ इसको कहें कंपेरेटिवली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन हम कहें कि एटीन सर्कल्स बात तो ठीक है लीगली लेकिन इस सर्कल में और इस सर्कल में फ़र्क है ये छोटा है ये बड़ा है और इसकी अहमियत ज़्यादा है ये ज़्यादा वॉल्यूम करता है अब एटीन सर्कल्स हर एक सर्कल तो उसमें आ रहा है लेकिन ये हमारे पास सर्कल बड़ा है इसकी अहमियत ज़्यादा है तो अगर हम सर्कल ही इसको भी करें और इसको भी करें तो हम कुछ ना कुछ हाइड करना है अगर हम इस तस्वीर को शो ना करें और किसी को कहें हमारे पास एटीन सर्कल्स हैं और वो आगे सवाल नहीं करता छोटा बड़ा कौन सा कितना वॉल्यूम क्या है उसकी तो फिर हम इलेबोरेट नहीं कर पाते सही तो हर चीज़ की एक अपनी अहमियत हो सब्सटेंस ओवर फार्म यानी कि सर्कल तो सारे हैं लेकिन सबस्टेंशियली या जो वॉल्यूम के लिहाज से या उसकी स्पेस के लिहाज से जसामत के लिहाज से ये बड़ा है ये छोटा है सो so, अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक रियलिटी की तरफ कि इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि हमारे एक बिजनेस है एक कंपनी है एक फर्म है हमने बनाई हुई है उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं और उसके ऑपरेशन रन हो रहे हैं जब हम फिनैंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में ईच एंड एवरी लाइन जो होती है हमारी इनकम uh, स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में तो उसकी एक लाइन लिखी होती है वो आपकी छोटी कोई लाइबिलिटी है तो अगर कोई लीगल आपका uh, जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है वो भी कहीं मैंशन हो या फिर आपके डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं या डेफर्ड इनकम है कुछ भी चीज़ है तो उसको हम क्या कहेंगे कि बिज़नेस के साथ जो चीज़ अटैच है इकोनॉमिक रियलिटी अब हक़ कुछ होते हैं एक बिज़नेस चल रहा है कुछ उसके एसेट्स अपने होते हैं कुछ उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो जेनविनली उसकी ही होती हैं ये है उसकी इकोनॉमिक रियलिटी लेकिन अकाउंटेंट क्या करते हैं जिस तरीके से हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डिजिट्स के अंदर हेरा फेरी करते हैं और चीज़ों को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके शो करते हैं इसी तरीके से कंपनीज़ के अंदर फॉर्म्स के अंदर कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके शो करने की कोशिश की जाती है वो कैश इनफ्लोज हो सकता है वो एक्सपेंसेस की मकदार कम हो सकती है वो आपकी इनकम को ज़्यादा शो करने का पर्पस हो सकता है लेकिन वो क्या होता है वो इनफ्लेट करते हैं चीज़ों को मुश्किल करके या फिर जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उससे जो फ़ायदा उठाने वाले हैं शेयर होल्डर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट हो सकती है बाकी हमारे जो बैंक हो सकते हैं क्रेडिटर्स हो सकते हैं तो उनको जब एक्चुअल पिक्चर आप शो करते हैं बिज़नेस की जो अपनी है वो अपनी शो करें जो अपनी नहीं है उसको अपनी ना शो करें तो ये क्या होता है इकोनॉमिक रियलिटी लेकिन कुछ चीज़ों को जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा आ, उसके अंदर मैनुपलेट करने की कोशिश करते हैं जो उसकी चीज़ नहीं होती उसको अपना शो करते हैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होता है मैनुपलेट करना या मिसलीड करना तो रिपोर्टिंग का मेन पर्पज़ ये है कि आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जो फिनंशियल पोजीशन अपनी बिजनेस की बताते हैं वो एक्चुअल हो रियलिटी बेस्ड हो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करे इकोनॉमिक रियलिटी की बेस के ऊपर हो सो so, ये रिपोर्टिंग में स्टैंड ओवर ओवरफाम बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ का लीगल स्टैंड पॉइंट तो आप बता रहे हैं कि ये जी मामला है लेकिन उसकी कम्प्लिकेशन कितनी बड़ी है वो वाकई ऐसी है भी कि नहीं है वो चीज़ हाइड कर लेना मिसलीड करता है तो यही पे आता है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म कि अगर लीगली कोई चीज़ छोटी भी है लेकिन आपको चाहिए कि उसकी जो सब्सटेंस है उसकी हकायक है उसकी जो असल चीज़ है वो बताएं तो ये पर्पज़ होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कि इकोनॉमिक रियलिटी शो की जाए जो बिजनेस की इनकम स्टेट हो फिनेशियल पोजिशन हो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए जो कंपनी की अपनी चीज़ें वही शो शो की जाएँ कहीं पर मिसलीड करने की कोशिश ना की जाए दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू कि जो कंपनी की फिनंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट के है या इनकम स्टेटमेंट हम इनको सादा अल्फाज में इनकम स्टेट और बैलेंसमेंट बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दो आइटम इनके अंदर जो भी चीज़ लिखी हो एक्सपेंसेस हों रेवेन्यूज़ हों तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हूँ सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता हो जो चीज़ बतानी चाहिए उसको फुल डिटेल के साथ बताएँ जो चीज़ लीगली आप बता रहे हैं कि ये आपको एसेट्स रिपोर्ट करने चाहिए तो रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपके वो एसेट हैंग नहीं तो इट्स मीन कि आप लीगली तो मिसलीड कर रहे हैं और सब्सटेंशियली आप उस चीज़ की बैक पे वो आपकी हकायक में मौजूद नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रहा आप जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को पढ़ने वाले या उसको देख के डिसीजन करने वालों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, इसको अवॉइड करना मेन पर्पज़ होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म के जो प्रिंसिपल पे हम अवॉइडेंस ऑफ मिसलीडिंग रिपोर्टिंग तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे जब हम जाते हैं तो फॉर्म के तौर पे या लीगली कोई फार्म हम अगर कहें तो आप इसको लीगल पॉइंट कर दें लीगली जो चीज़ शो कर रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड भी बताएं ताकि जो जानने वाला है कि जी एक मैटर है कोर्ट में कोई सब्जोडाइस है उसके ऊपर अभी डिसीजन होना तो उसको आप एक सिंगल लाइन में लिखते हैं लेकिन उसका मामला हो सकता है कि आपकी कहीं बिजनेस की गलती हो और करोड़ों में आपको फ़ाइन होने के ज़्यादा सर ज़्यादा चांसेस इट्स मीन कि आप सब्सटेंस ओवर फार्म पे तभी पूरा उतरते हैं कि आप सारे हकायक जो केस की एक्चुअल पोजिशन है आपके कमेंट्स किस तक का है या अदालत उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुँची खड़ी है तो आप जब तक उस चीज़ को ट्रूली बताएंगे नहीं तो ये आप कर रहे हैं मिसलीड या रिपोर्टिंग में मिसलीड कर रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकम स्टेटमेंट के इसके अलावा फोकस ऑन इकोनॉमिक सब्सटेंस जो चीज़ें आपकी बिज़नेस की हैं उनके ऊपर फोकस करें उनको आप शो करें जो नहीं हैं उनको अपने क्रेडिट में लेने की कोशिश ना करें ये भी सब्सटेंस ओवर फार्म का एक प्रिंसिपल के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ होती है इसके अलावा ओवर लीगल फार्म यानी ओवर राइट्स लीगल फार्म लीगल फार्म क्या मतलब है कि लीगली तो हमने कहा कि सर्कल है लेकिन जो सब्सटेंस है वो है जब आपने बताया कि एक सर्कल वो जो मेन है उसका ट्वेंटी ट्वेंटी uh, भी नहीं है बल्कि टेन परसेंट है छोटा सर्कल जो है वो बड़े सर्कल का टेन परसेंट है इट्स मीन कि ये टेन टाइम्स बड़ा है टेन टाइम्स बड़ा सर्कल है जिसको आपने बताना है तो ये जो सब्सटेंशली आपने बताना है कि टाइम टाइम बड़ा है तो ये सब्सटेंस वाली बात है सब्सटैन किस को करती है ओवर करती है कि सिर्फ सर्कल का नाम ले लेना ये लीगल है ये लीगल फॉर्म है लेकिन उसका सब्सटेंशली बताना कि टाइम टाइम छोटे से वो वाला बड़ा है तो ये है ओवर कर जाता है जब आप उसके हक को वाजे करके बताते हैं यानी कि हक या उसका जो सब्सटेंस बताते हैं तो वो लीगल फॉर्म से ओवर कर जाता है उसको ओवरकम कर जाता है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी तो इसका सब्सटेंस ओवर फैक्ट ओवर फार्म का ये भी एक uh, जो पर्पस है या इसका मेन मकसद है कि आप अपनी बिजनेस की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और एक्यूरेट हैं उसमें कोई चीज़ भी आप हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे आप अपने स्टेक होल्डर्स को मिसलीड करने की कोशिश नहीं कर रहे सो so ये हमारे छः पॉइंट्स हैं जिनके गिरद हमारी सारी की सारी बात घूमेगी और अगली हमारी डिस्कशन होगी होप्स हो कि ये छह पॉइंट्स जब आपको समझ आ जाते हैं तो सब्सटेंस ओवर फार्म किस लिए की जाती है ये आपको समझ आसानी से आ सकता है अब हम चलते हैं वन बाई वन इसको हम रीड आउट करते हैं चलें जी यहाँ पे देखते हैं हमारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग एंड फिनेशियल रिपोर्टिंग सब्सटेंस ओवर फार्म इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट इंश्योर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स

तो इसमें हमने समझना है कि सब्सटेंस ओवर मीन से मुराद क्या है वाई इट मैटर्स ये अहमियत क्यों रखता है एंड हाउ टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं कंपनी की तो हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे बाई द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट एंड हाउ इट कैन बी यू टू इम्प्रूव फिनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप अपनी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन बताएंगे, उसकी सही तरीके से रिपोर्ट करेंगे तो उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा फ़ायदा देती है स्टेक होल्डर्स को अब हम अगर डिफ़ाइन करना पड़े सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे तो हम कैसे कहेंगे कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को डिफाइन कैसे सके सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज़ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स एन इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फिनेशियल स्टेटमेंट कि जो बात एक्चुअल मौजूद है जो यहाँ पे डिजिट्स में आपको नजर नहीं आ रही जब तक आप उसकी क्लैरिटी नहीं देंगे वो शो नहीं होगी तो आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है अपनी फिनेंशियल पोजिशन में जो एक्चुअल पोजिशन है इसको हम कहेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म रेदर देन जस्ट इट्स लीगल फॉर्म कि जस्ट बता देना कि वो सर्कल

कंपनी है उसके पास एक एसेट है वो क्या करती है उसको बेच देती है बट रिटेन द राइट टू यूज इट कागजों में क्या है उसने कहा कि ये हमने एसेट एक लाख का था बेच दिया लेकिन एक्चुअली क्या है उसने वो एसेट बेचा नहीं है उसको अपने इस्तेमाल में रखा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म वुड रिक्वायर द कंपनी टू रिकोगगनाइज द ट्रांजेक्शन एज अ लीज रैदर देन सेल अब सब्सटेंस ओवर फैक्ट क्या कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि चूंकि आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया जिसको सेल कर रहे थे तो ये सेल नहीं है ये एक किस्म की लीज है जो आप एसेट को अपने पास रख के इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप उसको सेल शो करेंगे तो ये मिसलीडिंग है अगर आप उसको एज आ लीज शो करेंगे तो ये सब्सटेंस ओवर फार्म है यानी कि एक्चुअली आप सेल कह रहे हैं सेल है नहीं है वो एक लीज़ का है क्योंकि आपने एसेट को तो ट्रांसफर ही नहीं किया दूसरे को तो एसेट शिफ्ट ही नहीं किया आप सेल इस वजह से शो कर रहे हैं ताकि आपकी बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ कैश आता हुआ शो हो यानी कि कैश इनफ्लो को बढ़ाना चाहते हैं दैट इज़ बिकॉज इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट द कंपनी इज़ स्टिल यूजिंग द एसेट सब्सटेंस और फॉर्म क्या है कि इकोनॉमिक रियलिटी ये कहती है क्योंकि आपने एसेट नहीं बेचा दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया इसलिए ये सेल नहीं है क्योंकि एसेट आपके पास ही पड़ा है तो ये आपको बताना चाहिए कि एसेट आपके ही इस्तेमाल में है तो ये आ जाएगा इकोनॉमिक रियलिटी इवन तो लीगल लीगली इट हैज़ बिन सोल्ड लीगली अगर देखें कोई एग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट्स पूरे आपने शो किए वो आपने सेल कर दिया और सेल आपने शो कर दिया ये तो हो गया फार्म या लीगल उसकी पोजीशन जबकि सब्सटेंस क्या कहता है कि एक्चुअली चूंकि आपने ऐसे ट्रांसफ़र नहीं किया इसलिए ये सेल नहीं है इसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक रियलिटी अच्छा जी हम ये सब्सटेंस ओवर फार्म अहमियत क्यों रखता है मैटर क्यों करता है इसकी वजह क्या है चूँकि स्टेक होल्डर जो होते हैं वो इकोनॉमिक रियलिटीज़ को फिनैंशियल स्टेटमेंट्स को बैलेंस शीट को देख के अपने डिसीजन करते हैं कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हैं क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यहाँ पे शेयर लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए मर्जर है एक्विजिशन है क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो ये सारे मामलों बहुत मैटर करते हैं जब आप चीज़ों को मैनुपलेट कर लेते हैं एक्चुअली कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स कुछ बताते हैं तो जो उससे डिसीजन लेने वाला होता है वो मिसलीड हो जाता है गलत डिसीजन करता है बाद में आपको वो कोर्ट में फेस करना पड़ता है तो इस तरह के मसाइल होते हैं जिससे बचने के लिए सब्सटेंस ओवर फैक्ट या सबस्टेंस ओवर फार्म जो है वो मैटर करता है सब्सटेंस ओवर फार्म इज इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बिकॉज इट इंश्योज दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन ताकि सब्सटेंस ओवर फैक्ट फार्म पर जब आप अमल करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल आपकी एक्यूरेटली रिफ्रैक्ट करेगी इकोनॉमिक रियलिटी को कि आपके बिजनेस की क्या हैसियत है एक्चुअली वो है क्या चीज़ दिस इन टर्म प्रोवाइड्स यूजर्स ऑफ फिनेशियल स्टेटमेंट्स विद रिलाईबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इससे क्या होता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो इनकम स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं वो ट्रू पिक्चर उनके सामने होगी एक्चुअल वजह सामने होगी तो वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उनको इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए जब आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म ओवर फार्म पे अमल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ कंपनी एंगेज इन अ कम्प्लेक्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट इज डिज़ाइन टू मैनू इट्स फिनंशियल स्टेटमेंट्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म वुड रिक्वायर द ट्रू इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ़ द ट्रांजेक्शन टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फिनेशियल स्टेटमेंट दिस वुड प्रीवेंट यूजर्स ऑफ फिनशियल स्टेटमेंट फ्राम बीइंग मिसलेड बाय द कंपनीज़ मैनू प्लेट प्रैक्टिसज कि जब आप मैनू प्लेट करते हैं एक एक्चुअल सेल है नहीं आप उसको सेल शो करते हैं आप अपनी सेल्स में रेवन्यूज़ के तौर पर दिखाते हैं कुछ आप कैश फ्लो दिखाते हैं तो यूज़र क्या है उस चीज़ को देख के मिसलीड हो जाता है वो एक ऐसा फ़ैसला ले लेता है जो एक्चुअली बिजनेस ऐसा करती नहीं है तो मिस लीड होने से बचाने के लिए जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है ये अहमियत रखता है और मैटर करता है चैलेंजेस क्या हैं इन अप्लाइंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे ये चैलेंजेस इसलिए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें तो सामने नजर नहीं आती आपको थारोली डिटेल में एड ऑडिट करना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट्स को थारोली देखना पड़ता है उस एसेट्स की आउटबुक देखनी पड़ती है कि वो आउट हुआ बिजनेस से नहीं हुआ दूसरे बिजनेस ने उसको रिसीव किया नहीं किया इस्तेमाल किया नहीं किया किसी को सेल किया तो उसके फर्दर डिस्पोजल क्या था एक डिटेल आ जाती है कि ऑडिटर का मैंडेट उससे उसको टच नहीं करता ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता ऑडिटर इतनी एक्सटेंसिव डिटेल में नहीं जा जाता जितनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो फैक्ट्स लिखे होते हैं लीगली जो चीज़ें पॉइंट मैंशन किए होते हैं कि वो सब्सटेंस के लिहाज से वो एक्चुअल हैं या नहीं है ये बहुत बड़ा वाकई चैलेंजिंग एक पॉइंट है जब तक अकाउंटेंट खुद नहीं इथिकली अपनी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करते या प्रॉपर्ली उसको रिपोर्ट नहीं करते तो ये चैलेंज जो है वो रहता है अप्लाइंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग द एक्चुअल क्लियर फ्राम इट्स लीगल फॉर्म यानी कि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट वगैरह है बैलेंस शीट है उससे ये चीज़ें वाजी नहीं होती कि वाकई ये चीज़ ठीक लिखी है या मिसलीड की, कर रही है इन एडिशन देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनुपलेन वेन अप्लाइंग सबस्टेंस ओवर फॉर्म एज कंपनीज मे अटैम्प्ट्रांजेक्शन इन अ वे दैट अचीव अ डिजायर अकाउंटिंग आउटकम उसका मकसद मैंपलेट करने का होता है कि अकाउंटिंग आउटकम्स कुछ हासिल करें वो अपनी परफॉर्मेंस को जो मैनेजमेंट है वो बेहतर दिखाए तो वो तो हासिल कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली सब्सटेंस ओवर फैक्ट की वजह से इकोनॉमिक रियलिटी या ट्रांसपेरेंसी फिर ट्रू एंड फेयर व्यू बिज़नेस का शो नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी मे एंगेज इन अ सेल एंड लीज़ बैक ट्रांजेक्शन टू जनरेट कैश फ्लो तो जो हमने पहले एग्जाम्पल दी कि उसको एक्चुअली लीज़ किया था उसको सेल शो करके शो क्या करना चाहते हैं कि हमने कैश इनफ्लो किया है while still retaining the use of asset if the transaction is structured in a way that meets the legal requirement of the sale but the economic reality is that the it is आ, लीज के जो आ, लीगली देखा जाए तो वो सेल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे थे एग्रीमेंट हुआ सारा कुछ वो चीज़ें पूरी हैं लेकिन आप इकोनॉमिक रियलिटी के तौर पे देखते हैं तो एसेट चूँकि कंपनी के पास ही है तो इसको हम सेल नहीं कहेंगे इसको हम लीज़ कहेंगे तो ये मिसलीडिंग हो सकता है देर इज़ रिस्क दैट अ कंपनी इज़ मैनुपलेटिंग इट्स फिनंशियल स्टेटमेंट टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम उसका मकसद क्या है वो डिज़ायर्ड आउटकम उससे हासिल करना चाह रहे हैं और करें हाउ टू अप्लाई सब्सटैस ओवर फॉर्म इसको हम अपलाई कैसे कर सकते हैं टू अपलाई सब्सटैस ओवर फॉर्म इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल सब्सटैस ऑफ ए ट्रांजेक्शन एंड डॉक्यूमेंट इट प्रॉपरली क्या हम इसको प्रॉपर हर ट्रांजेक्शन को देखें कब डॉक्यूमेंट हुई दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ़ द ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन कब अगर हुई रेदर देन जस्ट इज़ लीगल फॉर्म के सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रांजेक्शन को नहीं देखना बल्कि उसके डॉक्यूमेंट क्या थे एग्रीमेंट क्या था बिजनेस से वो वो कंपनी से एसेट आउट हुआ नहीं हुआ उसकी कहीं इस्तेमाल में तो नहीं आए जो मशीनरी उस तरह की पड़ी उसके सीरियल नंबर जाके चेक करें फिजिकल उसका ऑडिट करें एंड डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर इस तरीके से उसको देखा जाए कि बिजनेस के अंदर है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ठीक किया जाए अगर उसको सेल शो किया गया था तो उसको एज अ लीज दोबारा से शो करें फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी एंगेजेज इन अ सेल एंड लीज़ बैक ट्रांजेक्शन इट शुड एनालाइज द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन टू डिटर्मन वेदर इट इज़ अ सेल और लीज़ तो उसको दोबारा देखें कि ये सेल था या लीज था इफ़ इट इज डिटर्मन टू बी अ लीज़ द कंपनी शुड रिकोगगनाइज द लीज़ पेमेंट एज एन एक्सपेंस तो जो, जो लीज की पेमेंट होगी जो आप पाँच साल के लिए एक लाख पे उसको करते हैं बीस बीस हजार पे करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा अगर आपको ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो चुके हैं तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा द एसिड एज ए राइट ऑफ जूज एज एट रेदर दैन रिकोगगनाइजिंग द ट्रांजेक्शन एज अ सेल यानी कि उसको सेल के तौर पर रिकगनाइज करने के बजाय आप उसको एज अ लीज़ या फिर एज आ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे अब यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग uh, करने के बाद हम दो एग्जाम्पल को देखते हैं फिर एक नुमेरिकल को देखते हैं लीज वर्सेज परचेज कि जिस को अब देख लेते हैं इमेजिन ए कंपनी दैट वॉन्ट्स टू अक्वायर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एक कंपनी है एक आ, वो पीस ऑफ इक्विपमेंट लेना चाहती है दे हैव द ऑप्शन टू आइदर लीज़ द इक्विपमेंट और परचेज इट आउटराइट कि या तो वो उसको लीज़ पे अपने बिजनेस के अंदर ले आए या फिर परचेज़ करके ले आए बिजनेस को उस चीज़ की ज़रूरत है फ्रॉम द लीगल परस्पेक्टिव लीजिंग द इक्विपमेंट मे बी स्ट्रक्चर्ड एज एन ऑपरेटिंग लीज़ कि जब आप लीज़ पे लेके आएंगे तो उसका जो एक्सपेंस होगा उसको ऑपरेटिंग लीज़ के तौर पे ट्रीट करेंगे वेयर द कंपनी डज नॉट हैव ऑनरशिप राइट जब ऑपरेटिंग लीज़ करते हैं तो आप इस तरह से समझिए कोई एसेट लेते हैं किराए पे और उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका किराया पे करते रहते हैं तो ये क्या होता है कि ऑनरशिप राइट्स चूंकि ट्रांसफर आपको नहीं होते इसलिए आप उसके एक्सपेंसिस को ऑपरेटिंग लीज़ के तौर पर कंसिडर करते हैं ऑन द अदर हैंड परचेजिंग द इक्वमेंट वुड भी वुड गिव द कंपनी फुल ऑनरशिप जबकि आप परचेज़ करके लेके आते हैं तो यजम्श्त आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बदले में आपके बिजनेस के ऊपर ऑनरशिप राइट भी आ जाएंगे आपके वो एसेट्स में भी शो होगी हाउ एवर इफ़ द लीज एग्रीमेंट कंटेन्स टर्म्स दैट इफेक्टिवली ट्रांसफर अब ये तो बात होगी कि अगर आप परचेज करके लेके आते हैं या लीज़ पर लेके आते हैं ये आपका ऑप्शन है अब आगे चलते हैं हाउ एवर इफ द लीव अब लीज का एग्रीमेंट हो रहा है और उसको हम देखते हैं कि लीज का एग्रीमेंट किस टर्म्स पर है लीज एग्रीमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर द रिस्क एंड ऑनरशिप रिवार्ड्स टू द कंपनी के रिवॉर्ड्स और ऑनरशिप जो है वो कंपनी को शिफ्ट हो रहे हैं सच एज लॉन्ग लॉन्ग टर्म लीज विद अ बारगेन परचेज ऑप्शन एट द एंड कि वो लॉन्ग टर्म पे एक डील हुई है और एट एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपका लीज़ का एग्रीमेंट पूरा होगा तो जो कंपनी uh, है उसके पास ये राइट right है कि वो उस एसेट को खरीद ले या ना खरीद ले द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन मे बी क्लोजर टू अ परचेज रैदर दैन अ ट्रू लीज़ कि वो अगर आपके पास ऑनरशिप राइट्स भी आ रहे हैं रिस्क भी आपके पास आ रहा है कंपनी के अंदर तो है एग्रीमेंट देखने में क्या लीज़ का एग्रीमेंट लेकिन ये क्लोजर टू किस के परचेज के इन दिस केस द कंपनी शुड अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन एज अ परचेज तो इस तरह की सिचुएशन हालांकि देखने में लीज़ है तो उसको आप एज ए परचेज कंसिडर करें रिकग्नाइजिंग इक्विपमेंट एज एन एसेट उस जब आपने परचेज ही कर लिया तो उस एसेट को आप अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे एंड द लीज पेमेंट्स एज फाइनेंसिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर चूँकि ये आपके ऑनर राइट्स आपको ट्रांसफर हो गए तो जो पेमेंट्स होगी वो आपकी कैपिटल और इंटरेस्ट की दोनों पेमेंट मिला के आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा दैन ट्रीटिंग इट एज ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस उसको आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर या ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर नहीं करना बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर चूंकि ये आपके ऑनरशिप राइट्स जो है कंपनी के पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है एट द एंड ऑफ द टाइम कंपनी के पास ये राइट right है कि वो उस एसेट को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है सो so ये हम कहेंगे कि देखने में तो लीज है लेकिन एक्चुअली क्या है ये बिज़नेस में एसेट uh, का एक परचेज है जब परचेज करके लेके आ जाते हैं तो आप उसको बैलेंस शीट में शो भी करेंगे अब इसी तरीके से हमारे पास एक रेवेन्यू की रिकग्नीशन है uh, उसको हम कैसे देखते हैं उसको कैसे रिपोर्ट करना चाहिए सब्सटेंस ओवर फार्म पे के असूल पर अमल करते हुए कंसीडर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है दैट सेल्स एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेजेस कि अगर आप उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एनुअल मेंबरशिप लेना पड़ेगी आप एक साल उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक डॉलर दो डॉलर जितना भी पे करते हैं वो पे कर देते हैं फॉर इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्राम द लीगल स्टैंड पॉइंट द कंपनी मे रिसीव पेमेंट फ्रंट फॉर यर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि यकमुश्त शुरू में ही 1000 जो साल का उसने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो फ़ौरन से सारी पेमेंट कर दे एंड द रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज ओवर द सब्सक्रिप्शन पीरियड कि वो सब्सक्रिप्शन पीरियड पे उसके रेवेन्यू को जनरेट कर लिया जाए हाउ एवर अब अगर डिटेल में जाएं तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है इफ़ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इंडिकेट दैट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग सर्विसेज एंड अपडेट्स थ्रू आउट द सब्सक्रिप्शन पीरियड कि एक साल का पीरियड है और उसमें वो हर दफ़ा वो उसको अपडेट कर रहे हैं और वो मंथली अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट या अपने रेवन्यूज को रिकोगनाइज कर रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए रेदर देन जस्ट डिलीवरिंग अ वन टाइम प्रोडक्ट कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर की और सारा कुछ उसका रिसीव कर लिया ये ऐसी बात नहीं है इट मे बी एप्रोप्रिएट टू रिकगनाइज द रेवन्यू रेटेबली ओवर द सब्सक्रिप्शन पीरियड कि अगर 12 महीने पे मुश्तम है तो हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट बना के उतना ही रेवन्यू रिकोगग्नाइज करें ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म दिस अलाइंस विद इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन वेर द कंपनी इज़ कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग वैल्यू ओवर टाइम चूँकि कंपनी कंटिन्यूसली वैल्यू प्रोवाइड कर रही है यूज़र को और उसके बदले में जो पेमेंट उसने एकदम ले ली थी तो मंथली बेसिस पे सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज के अगेंस्ट ही रेवेन्यू होना चाहिए सो so, ये सबस्टैंड ओवरफाम ये कहता है कि वन टाइम उसको एज ए रेवेन्यू रिकेगनाइज़ करने के बजाय उसको मंथली या उसका जितना भी पीरियड है दो साल का तीन साल का पाँच साल का उसके ऊपर उसको एक्सपेंड करें अब हम एक न्यूमेरिकल बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जितनी अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसी को फर्दर लेके चलते हैं लेटस से अ कंपनी एक्स वाई जी एक कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है एक्स वाई जी कारपोरेशन एंटर्स इन टू अ सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट फॉर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट एक्स वाई जी कारपोरेशन सेल द इक्विपमेंट टू एन अदर कंपनी कि एक्स वाई जी जो कंपनी है उसने अपना एसेट जो इसकी हम थ्योरी में एग्जाम्पल देख भी चुके हैं कि उसने अपना इक्विपमेंट बेच दिया किस को ए बी सी लीजिंग कंपनी को फॉर वन लैक डॉलर एंड सिमल्टेनियसली लीज़ इट बैक फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर तो जो उसको बेचा लीजिंग कंपनी को अपना एसेट एक लाख डॉलर का अब उससे लीज़ पर वापस ले रही द लीज़ पेमेंट आर ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर पर ईयर उसको तो वो एज अ लीज पे कर रहे हैं फ्राम अब ये बात तो एग्रीमेंट हो गया फ्राम द लीगल परस्पेक्टिव इट मे सीम लाइक एक्स वाई जी कारपोरेशन हैज़ सोल्ड द इक्विपमेंट एंड इज़ नाउ लीजिंग इट एक्चुअली देखने में नज़र क्या आ रहा है कि उसने एसिड बेचा और जो पेमेंट हो रही है वो लीजिंग की लीज पेमेंट हो रही है एज अ रिजल्ट एक्स वाई जी कारपोरेशन माइट बी इनक्लाइन टू ट्रीट द ट्रांजेक्शन एज अ सेल जो ए बी एक्स वाई सी कंपनी है वो ये कहती है कि मैंने एसेट बेच दिया है रिकॉग्नाइजिंग अ गेन ऑफ वन लैख डॉलर और जो वन लैख डॉलर आए उसको एज अ गेन का ऑन द सेल एंड देन रिकॉग्नाइजिंग लीज पेमेंट्स एज औरटल एक्सपेंसि ओवर द लीज टर्म यानी कि फर्क ये एक लाख के जो हैं उसको पाँच साल पे पेमेंट करनी है तो वो ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ पर ईयर जो पे कर रहे हैं तो उसको वो क्या कह कहता है कि लीज पेमेंट हो रही है लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाए हाउ एवर अपान एनालाइजिंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इट बिकम्स क्लियर दैट एक्स वाई जी कॉरपोरेशन हैज़ इसेंशली रिटेन द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ द ऑनरशिप चूंकि सेल का वो कह रही है एक्स वाई जी कॉरपोरेशन एक्चुअली एसेड को तो उसने ट्रांसफर ही नहीं किया उसके पास ऑन भी है उसके पास रिस्क भी है उस तो फिर हम किस तरह कहेंगे कि सेल है द लीज बैक एग्रीमेंट इज़ स्ट्रक्चर इन अ वे दैट एक्स वाई जी कॉरपोरेशन इफेक्टिवली कंटिन्यूज टू यूज़ द इक्विपमेंट थ्रू आउट द लीज टर्म तो जो एग्रीमेंट है वो कहता है कि जी लीज़ पे है और पाँच साल के लिए वो यूज़ करेगी द लीज़ पेमेंट्स आर सिमिलर टू दैट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट एक्स वाई जी कॉरपोरेशन वुड हैव इंकर्ड इफ इट रिटेन द ऑनरशिप कि अगर एक्स वाई जी कॉरपोरेशन जिसने सेल किया है एसेट को एक लाख पे और ट्वेंटी थाउजेंड लीज़ के, के तौर पर उसको पे कर रही है तो अगर देखा जाए तो उस पाँच साल का उसका एसेट की लाइफ थी और एक लाख का उसने एसेट लिया था या रखा था या उसकी मलकियत है तो उसको एक्सपेंड करें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन पे तो ट्वेंटी थाउजेंड तो उसकी डेप्रिसिएशन बनती है तो फिर हम जब इसको एनालाइज करते हैं डिटेल में जाते हैं इन दिस केस द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इंडिकेट्स दैट एक्स वाई जी कॉर्पोरेशन हैज नॉट ट्रूली सोल्ड द इक्विपमेंट बट रेदर हैज ओब्टेंड फाइनेंसिंग थ्रू द लीज बैक अरेंजमेंट कि एक्चुअली जब हम देखते हैं तो ये सेल नहीं है ये लीज एग्रीमेंट एट द रिजल्ट द ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट रदर दैन अ सेल तो इसकी फाइनेंसिंग की एक अरेंजमेंट के तौर पर इसको कंसिडर किया जाएगा एक लीज़ के तौर पर कंसिडर किया जाएगा ना कि सेल के तौर पर अंडर दिस अप्रोच एक्स वाई जी कारपोरेशन वुड नॉट रिकोगनाइज अगेन ऑन द सेल ये जो एक लाख वो शो करेगी कि मैंने ये गेन किया है सेल करके एसिड वो नहीं कर सकती ये गलत है इन स्टेट द इक्विपमेंट वुड रिमेन ऑन एक्स वाई जी कारपोरेशन बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट में चूंकि उसका एसिड था अभी भी उसी के पास है अभी भी वो ये इस्तेमाल करी तो अभी भी बैलेंस शीट पर वही शो करेगी एक्स वाई जी कॉरपोरेशन ना के ए बी सी लीज कंपनी एंड द लीज पेमेंट्स वुड भी ट्रीटेड एज एन एज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्रिंसिपल पेमेंट तो हम इसको एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रिंसिपल रिपेमेंट ओवर द लीज पीरियड के तौर पर कंसिडर करें बाई फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक सब्सटैस ऑफ द ट्रांजेस द कंपनी इन्श्योर दैट द फाइनेंसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ मोर एक्कोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस तो इससे क्या है कि इस पर अगर हम इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन पर देखते हैं तो कंपनी की जो होती है एक्चुअल उसकी जो वर्थ है या एकूरेट रिप्रेजेंटेशन है वो कन्फर्म होती है और उसकी एक्चुअल जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो हमें शो होती है जो कि रिपोर्टिंग का मेन मकसद है कि एक्चुअल पोजिशन ही शो होनी चाहिए इकोनॉमिक रियलिटी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एकट होनी चाहिए इसके अलावा ट्रू एंड फेयर व्यू देता हो कंपनी की पोजिशन अब अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें इन कंक्लूजन सब्सटेंस ओवर फार्म इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन इकोनॉमिक रियलिटी की जो उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जो उसकी इनकम स्टेटमेंट बनती है जो फिनेंशियल पोजिशन बनती है वो इकनॉमिक रियलिटी को प्रॉपर शो करे जो भी उसकी ट्रांजेक्शन होती है इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स यूजर्स अफ फिनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलायबल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इससे क्या होता है कि जितने भी उस फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं डाइटर्स होते हैं सैलर वगैरह जितने भी होते हैं वो उससे एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उसको मदद मिलती है कि एक्चुअली कंपनी कहाँ पर ऑपरेट कर रही है इसके एसेट्स कितनी इतनी इसकी लाइबिलिटीज कितनी है वाइल्ड अप्लाइंग सब्सटैंस ओवर फार्म कैन बी चैलेंजिंग इट is essential for accurate financial reporting we encourage you to apply this concept in your वर्क टू एन्श्योर दैट यूअर फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए ट्रू एंड फेयर यू आफ यूअर ऑर्गेनाइजेशनल financial परफॉर्मेंस uh, तो इसमें अकाउंटेंट जितने भी उनका इथिकल ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बिजनेस के अंदर अपनी हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज़ करें एक्यूरेटली उसको रिपोर्ट करें ताकि रिपोर्टिंग में कोई भी मसला होना तो एक्चुअली जो चीज़ जैसे हो उसी को रिपोर्ट करना ज़रूरी हो तो सब्सटैंस ओवर फार्म इसलिए ज़रूरी है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन एक्चुअली आप शो करें ताकि इकोनॉमिक रियलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू जो है बिज़नेस का वो स्टेक होल्डर तक पहुंच सके तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई ही होगी तो मजीद भी आपका कोई क्वेश्चन हो क्यूरी हो आप हमें पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग